अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम दसवीं किताब का 15वां सबक पढ़ेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 60 खोलिए। आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो एक कहानी है जिसका उन्वान है नन्नी सिमिन की कहानी। हम इस कहानी की पढ़ाई करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी जानेंगे, तो चलें शुरू करते हैं नन्ही सिमिन की कहानी। बच्चों, हम आपको नन्ही मुन्नी नीली आंखों और सुनहरी बालों वाली प्यारी सी गुड़िया सिमिन की कहानी सुनाते हैं। वह सफाई सुथराई के काम से बेहद घबराती थी। सुबह उठकर बगैर दांत साफ किए नाश्ता करती, बालों में कंघी किए बगैर स्कूल चली जाती। उसे मुंह हाथ धोने और नहाने से सख्त उलझन होती थी। उलझन यानी परेशानी, बेजारी या तकलीफ। जिस दिन अम्मी उसको नहलाना चाहती, उस रोज़ वो सुबह ही से परेशान सी फिरती, बाल बांधने पर रोज़ नखरे करती। अगर उसे बालों में तेल डालने और बनाने को कहा जाता तो वो रोती, मुंह बसोरती। बसोरना यानी रोनी सूरत बनाना। उसे इन तमाम बातों से चिढ़ थी जिनका ताल्लुक सफाई से था। उसका एक शौक था कि वो टेलीविज़न बड़े शौक से देखती थी। बच्चों के प्रोग्राम तो उसको बहुत पसंद आते थे। अम्मी अबू सिमन को समझाते कि टेलीविज़न पर बच्चे बाल बांधकर, हाथ मुंह धोकर और साफ़ सुथरे होकर आते हैं। अगर तुम भी साफ सुथरी रहने लगो तो हम तुम्हें भी टीवी स्टेशन ले जाएं और हो सकता है कि वो तुम्हें प्रोग्राम में शामिल कर लें और तुम्हारी तस्वीर टीवी पर आ जाए। और भाई, इन प्रोग्रामों में इनाम भी तो मिलते हैं। एक दिन सिमन शाम को सोकर उठी तो बच्चों के प्रोग्राम का वक्त था। वो मुँह हाथ धोए बगैर टीवी देखने बैठ गई। अम्मी ने उससे कहा कि प्रोग्राम शुरू होने में कुछ देर है, मुँह धो लो, मैं तुम्हें चाय बिस्किट देती हूँ। सिमिन ने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी और बगैर मुँह धोए टीवी देखने बैठ गई। टीवी प्रोग्राम में बाजी बच्चों को बता रही थी कि इंसान के लिए तन को दुरुस्त रखना कितना ज़रूरी है। तन यानी जिस्म, और तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए सफाई बेहद ज़रूरी है। एक इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम सरमाया यानी दौलत उसकी सेहत है। सेहत है तो सब कुछ है। अगर हम सेहत के बारे में सोचें तो अमूमन जहन में मुआलिज यानी इलाज करने वाला या डॉक्टर, दवाई और शफा खाने का तसव्वुर आता है। तसव्वुर यानी ख्याल, मंसूबा या सूझ, जो कि एक अधूरा यानी नामुकम्मल और गैर वाज़ह तसव्वुर माना जाता है, जिसकी बिना पर लोग ना तो अपनी सेहत की हिफाजत कर पाते हैं और ना ही उसे बरकरार रख सकते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक सिर्फ बीमारियों का ना होना ही सेहत नहीं, बल्कि मुकम्मल जिस्मानी, जहनी और माशरती तंदुरुस्ती कैफियत का मौजूद होना एक फ़र्द की मुकम्मल सेहत है। जिस्मानी, जहनी और माशरती सेहत का एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक है। एक फ़र्द की मुकम्मल सेहत के लिए इन तीनों लिहाज से सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। मसलन, अगर एक फ़र्द की जिस्मानी सेहत अच्छी होगी तो जहनी तौर पर मुतमईन और खुश होगा और माशरे में लोगों से उसके ताल्लुकात भी खुशगवार होंगे। जब हम जिस्मानी सेहत की बात करते हैं तो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए ज़ाती सफाई को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। ज़ाती सफाई से मुराद ये है कि एक शख्स इनफरादी तौर पर अपनी जिस्मानी सेहत और देखभाल करने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करे जो उसकी सफाई का ज़रिया बनते हैं। मसलन, कोई भी काम करने से पहले और बाद में अच्छी तरह हाथ धोना, रोज़ाना दांतों को अच्छी तरह साफ़ करना, दिन में कम अज़ कम 2 बार चेहरे को अच्छी तरह धोना, हर रोज़ नहाना, ख़ास तौर पर पसीना आने के बाद नहाने के बाद अपना जिस्म खुश करना और साफ कपड़े पहनना, बालों में रोज़ाना बाकायदा कंघी करना, बू से बचाव के लिए खुशबू का इस्तेमाल करना वगैरह शामिल है। ऐसा करने से एक शख्स बहुत सी बीमारियों से बच जाता है, खुद को तरोताज़ा खुशगवार महसूस करता है और लोग भी उसे पसंद करते हैं। गर्ज, इस दिन तंदुरुस्ती की तमाम बातें बताई गईं। सिमन बहुत गौर से तमाम बातें सुनती रही। फिर जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो उठकर फौरन वॉशरूम में गई जहां उसका टूथपेस्ट रखा था। उसने अपना टूथब्रश निकाला जो अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया था। उसने दांतों को अच्छी तरह साफ किया, फिर साबुन से हाथ मुँह धोया, बाल बांधे, नए कपड़े पहने, अपने जूते भी साफ़ किए। खूब तैयार होकर सिमन अम्मी के पास गई। अम्मी अबू लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। अम्मी सिमन को साफ सुथरा देखकर हैरान रह गईं। सिमन इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। अम्मी ने उसको प्यार किया। उसके अबू खुश हुए तो उसे बाजार तोहफा दिलाने ले गए।
सब लोग उसकी इस बात पर हैरान थे कि सिमन में यकायक यकायक यानी अचानक ऐसी तब्दीली क्यों कर आई। हुआ ये था कि अब तक सिमन को किसी ने तफसील से बातें नहीं समझाई थी कि सफाई के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज उसे टीवी पर तंदुरुस्ती की मुफीद यानी फ़ायदेमंद कारामत बातें मालूम हो गई थी, जिसे उसने अपने जहन में बिठा लिया था। वो अब हमेशा साफ सुथरी रहती है और उसकी सेहत हर लिहाज से अच्छी रहती है। सच है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो दुनिया की तमाम नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की बख्शी हुई नेमतों में से सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर इंसान सेहतमंद है तो दुनिया का हर काम उसके लिए आसान है। बुजुर्गों का कहना है कि सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। हमें चाहिए कि सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आज के सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपने इस पूरे सबक की पढ़ाई करनी है और दर्सी किताब के सफ़े नंबर 62 पर दी गई मश्क नंबर 2 और सफ़ा नंबर 63 पर दी गई मश्क नंबर 6 मुकम्मल करनी है और व्हाट्सएप करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।